मोनिका है, मेरे पति का नाम संजय सिंह है, मैं दिल्ली स्वरूप नगर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम मोनिका है, मेरे पति का नाम संजय सिंह है, मैं दिल्ली स्वरूप नगर की निवासी हूँ, मेरा फ़ोन नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? अच्छा, सीढ़ी पर, ठीक है, आप हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ठीक है, कैमरे वालों को दिख गया ना, ठीक है। भोले बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, आप जो जल चढ़ाने का तरीका वर्णित करते हो, अगर उसको नियम से धारण करने वाला व्यक्ति होता है तो बाबा सुनता जरूर है। गुरुदेव, 2013 में मेरी शादी हुई, मुझे संतान का सुख नहीं हुआ, 10 साल हो गए औलाद नहीं हुई। दिल्ली का एक एक हॉस्पिटल जिसको हम दिखा सकते थे, अच्छे से अच्छा डॉक्टर जिससे हम जांच करा सकते थे, उसके अनुसार हमारे को संतान का सुख नहीं था। आयुर्वेदिक डॉक्टर, अंग्रेजी दवाई, होम्योपैथिक सब कराई, IVF भी कराया तो भी संतान का सुख नहीं आया। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया, इधर उधर मत भटको, तुम्हें संतान नहीं होगी। जिसने जहाँ कहा हम वहाँ पर भी गए, गोदी भरवाई, झोली भरवाई, पर संतान नहीं है। गुरुदेव, मेरे बाबा की कृपा किसको कहते हैं, आपने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाना, उसमें से जल बचाकर शिवजी को समर्पित करना, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना, ये बताया था। और मेरे बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहरा, मेरे बाबा ने मुझे आज 10 साल के बाद औलाद दी है। मैं उसको यहाँ प्रणाम कराने के लिए लेकर आई हूँ, उसको नमन कराने के लिए लाई। बच्चा लाए हैं क्या साथ में? बाबू को लाए हैं क्या? नहीं लाए, ठीक है, मैं प्रणाम करने के लिए लाई हूँ। गुरुदेव, बाबा बाबा है, बैठिए बहन, शिव तत्व है। एक जल चढ़ाने का तरीका, शिवजी को हम जो जल चढ़ाते हैं उसका एक तरीका भी हमारी जिंदगी में अगर हमने उसको स्मरण में रख लिया तो हमारी कार्य की सिद्धता को सिद्ध